हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में डिफ कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि डिफ कमांड का क्या यूज़ है. तो डिफ कमांड जो है, डिफ कमांड स्टैंड्स फॉर डिफरेंस कमांड. डिफ कमांड का मतलब है डिफरेंस कमांड. इट कंपेयर्स टू फाइल्स एंड प्रोवाइड्स एन आउटपुट इंडिकेटिंग हाउ द फर्स्ट फाइल नीड्स टू बी चेंज्ड टू मेक इट एग्जैक्टली द सेम एज द सेकेंड फाइल. तो डिफ कमांड क्या करता है, ये कंपेयर करता है टू फाइल्स, दो फाइल्स को ये कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, इंडिकेट करते हुए कि फर्स्ट फाइल में आपको क्या कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है जिससे फर्स्ट फाइल जो है आपकी वो सेकंड फाइल के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, या फिर सेकंड फाइल में क्या कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है जिससे सेकंड फाइल जो है आपकी वो फर्स्ट फाइल के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों फाइल बिल्कुल सेम हो जाएगी. तो डिफ कमांड को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, तो यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और अपने कमांड को टाइप करेंगे, यानी कि डिफ को टाइप करेंगे. तो ये डिफ कमांड है, यहाँ मैंने डिफ को टाइप कर दिया और इसके बाद जो है हम कोई भी दो फाइल लेंगे. तो मैंने एक फाइल ली है टेस्ट वन और दूसरी फाइल ली है मैंने टेस्ट टू. तो इन दोनों को कंपेयर करके बताएगा कि टेस्ट वन फाइल में क्या कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है जिससे टेस्ट वन फाइल जो है टेस्ट टू फाइल के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, या फिर टेस्ट टू फाइल में क्या कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है जिससे टेस्ट टू फाइल जो है टेस्ट वन फाइल के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन है ये. तो सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है हमारे पास. तो ये सारी फाइल्स है और राइट साइड में टेस्ट वन और टेस्ट टू ये दो फाइल्स है. तो इसके ऊपर जो है डिफ कमांड को परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि टेस्ट वन फाइल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है और टेस्ट टू में क्या कंटेंट लिखा हुआ है. तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं और चेक करते हैं. तो catT est टेस्ट वन, इसमें क्या टाइप किया हुआ है, अनिल रमेश मोहन. दूसरे फाइल को भी चेक कर लेते हैं टेस्ट टू, इसमें अनिल राज और मोहन ये टाइप किया हुआ है. अब इस पर डिफ कमांड को परफॉर्म करेंगे, डिफ टेस्ट वन और टेस्ट टू और एंटर. तो ये बता रहा है कि लेस देन रमेश का मतलब है कि फर्स्ट फाइल में जो रमेश, फर्स्ट फाइल में जहाँ पे रमेश लिखा हुआ है इसको आप चेंज करके राज कर दोगे तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी. और जो है ग्रेटर देन राज का मतलब है कि सेकंड फाइल में आप राज को चेंज करके रमेश कर दोगे तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पे 2C2 का मतलब है कि टू का मतलब है कि फर्स्ट फाइल में सेकंड लाइन पे चेंज करने की ज़रूरत है. तो फर्स्ट फाइल में सेकंड लाइन पे रमेश लिखा हुआ है तो उसको चेंज करके अगर आप राज कर देते हो तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी. या फिर सी के बाद जो टू है यहाँ पे, इसका मतलब है कि सेकंड फाइल में सेकंड लाइन पे जो राज लिखा हुआ है उसको चेंज करके अगर हम रमेश टाइप कर देते हैं तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी. तो इस तरीके से हम डिफ कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट जो है,
नेक्स्ट है, दो फाइल फिर मैंने ली है यहाँ पे, फाइल वन और फाइल टू। इन दोनों के ऊपर जो है डिफ कमांड को मैंने परफॉर्म किया है। तो चलिए देखते हैं फाइल वन और फाइल टू के ऊपर डिफ कमांड को परफॉर्म करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल वन में क्या है। फाइल अंडर स्कोर वन अनिल मोहन राज है और CAT कैट FILE फाइल अंडर स्कोर टू अनिल मोहन राज। ये दोनों फाइल में जो कंटेंट है बिल्कुल सेम है। अगर मैं डिफ कमांड को इसके ऊपर परफॉर्म करता हूँ तो देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। FILE अंडर स्कोर टू और ये मैंने एंटर, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। दैट मीन्स कि दोनों फाइल सेम है, इसलिए किसी भी फाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगेन मैंने दो फाइल ली है, एक ली है F1 और दूसरी फाइल ली है F2 और इसके ऊपर डिफ कमांड को मैंने परफॉर्म किया है। तो चलते हैं इसको भी करके देखते हैं ये क्या रिजल्ट शो करता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि F1 फाइल में क्या कंटेंट है। अनिल आकाश आमिर CAT F2 बाबर बाबा बेचारा सॉरी बच्चा। तो पहले फाइल का जो कंटेंट है वो दूसरे फाइल के कंटेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो इसके ऊपर डिफ कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये क्या कहता है। डिफ F1 F2 तो ये बोल रहा है कि लेस देन का मतलब है कि फर्स्ट फाइल में अनिल को चेंज करने की ज़रूरत है, आकाश को चेंज करने की ज़रूरत है और आमिर को चेंज करने की ज़रूरत है। क्या चेंज करने की ज़रूरत है? अनिल को चेंज करके बाबर कर दो, आकाश को चेंज करके बाबा कर दो और आमिर को चेंज करके बच्चा कर दो। तो ये दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी। या फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब है कि सेकंड फाइल में आपका टाइप किया हुआ है बाबर बाबा और बच्चा, तो सेकंड फाइल में आप बाबर को चेंज करके अनिल कर दो, बाबा को चेंज करके आकाश कर दो और बच्चा को चेंज करके आप अमीर कर दो। तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी। और ऊपर 1,3 का मतलब है कि फर्स्ट फाइल में एक से लेकर के 3 लाइन तक, दैट मीन्स 1, 2 और 3, 1 लाइन पे अनिल है, सेकेंड लाइन पे आकाश है और थर्ड लाइन पे आमिर है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और सी के बाद जो 1,3 है इसका मतलब है कि एक से लेके 3 लाइन तक सेकेंड फाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। तो 1, 2, 3, 1 पे बाबर है, 2 पे बाबा है और 3 पे बच्चा है। इसको अगर आप चेंज कर देते हो तो दोनों फाइल इक्वल हो जाएगी। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से। तो ये था डिफ कमांड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।